अमेजन, एप्पल, BMW, टोयोटा, बास्किन रॉबिन्स, LG और बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स को दोस्तों हम अक्सर देखते हैं और कई बार तो इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट को भी यूज़ में लेते हैं। मगर ये कंपनी जितनी ज़्यादा अनोखी होती हैं उतने ही अमेजिंग और कमाल के होते हैं इन कंपनीज के लोगो, जिनका अपना अलग ही मीनिंग होता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं कुछ कंपनीज के लोगों के बारे में जानेंगे और पता लगाएंगे इन लोगों में छुपे कुछ इन मीनिंग्स का। मगर उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो बिना कोई समय गवाए जानते हैं सबसे पहले एडिडास के लोगों के बारे में। एडिडास, गाइस क्या आपको पता है कि जूते बनाने वाली इस कंपनी का नाम इसके फाउंडर एडोल्फ डासलर पर पड़ा है। एडोल्फ से बनाया एडी और डासलर से लिया गया है डास, एडिडास। और अगर बात करें इस कंपनी के लोगों की तो शुरुआत से ही अपने सिंपल लोगों के चलते जानी जाती रही है। हालांकि ये लोगो टाइम बाय टाइम चेंज होता रहा है, मगर हर एक लोगो में ये तीन स्ट्रिप्स हमेशा से मौजूद रही हैं। और अभी के टाइम इस कंपनी का लोगो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें कि तीन स्ट्रिप्स के नीचे एडिडास लिखा हुआ है और ये तीन स्ट्रिप्स किसी माउंटेन को शो करती हैं। और दोस्तों माउंटेन रिप्रेजेंट करते हैं चैलेंजेस को, मतलब कि इस लोगो के जरिए कंपनीज एथलीट के चैलेंजेस को दर्शाती है जो कि वह अपने प्रैक्टिस के दौरान फेस करते हैं और उन्हें इसके लिए मोटिवेट करती है। नंबर 2, अमेजन। आज के समय अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करना होता है तो हम उसे सबसे पहले अमेजन पर ही सर्च करते हैं। मगर दोस्तों एक नज़र में इसके लोगों को देखने पर यह केवल इसका नाम ही लगता है, लेकिन इसे और थोड़ा देखने पर पता चलेगा कि नीचे मौजूद एक कर्व एरो एक स्माइल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि खुशी और पॉजिटिविटी को दर्शाती है। और गाइस ये एरो अमेजन के नाम के पहले अक्षर ए से शुरू होकर लेटर जेड पर पॉइंट करता है, मतलब कि दोस्तों इससे कंपनी यह कहना चाहती है कि अमेजन पर आपको A to Z वो हर चीज़ मिलेगी जो कुछ भी आप सोच सकते हो। नंबर 3, एप्पल। दोस्तों आपने न्यूटन की ये इमेज तो देखी होगी जिसमें कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और ऊपर से एप्पल नीचे गिरता है। तो बस शुरुआती दौर में कंपनी ने इसी लोगों को कॉपी किया था, लेकिन स्टीव जॉब्स को ये लोगो थोड़ा अटपटा लगता था और उन्हें अपनी कंपनी के लिए एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वाला लोगो चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने एक डिज़ाइनर रॉब जेनेफ को हायर किया जिन्होंने कि ये कूल लोगो बनाया है। लेकिन जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने खास लोगो कैसे बनाया तो फिर उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्होंने लोगो के लिए एक फुल एप्पल को ही डिज़ाइन किया था, मगर ये देखने में कुछ उतना ज़्यादा खास नहीं लगता था। लेकिन जब वह लोगो बनाते बनाते थक गए तो उन्होंने थककर एप्पल का एक बाइट लिया, और क्योंकि एप्पल का बाइट शब्द टेक्निकल वर्ड बाइट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर साउंड करते हैं तो उन्हें लगा कि इससे अच्छा लोगो तो कंपनी के लिए कोई और हो ही नहीं सकता, तो फिर उन्होंने इसी लोगो को कंपनी के लिए ड्रॉ कर दिया। नंबर 4, BMW, बवेरियन मोटर वर्क्स, जो कि एक जर्मन कंपनी है। इसके लोगों के बारे में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। बहुत से लोगों का मानना है कि क्योंकि ये कंपनी पहले एयरप्लेन्स के इंजन्स को बनाया करती थी तो इसके लिए इसके लोगों में मौजूद ब्लू पार्ट ब्लू स्काई को और सफ़ेद वाला हिस्सा एरोप्लेन को शो करता है। लेकिन दोस्तों कंपनी के इस लोगो का इंटेंशन ये नहीं है। दरअसल कंपनी के मुताबिक इसका लोगो जर्मनी के बवेरियन स्टेट के फ्लैग से इंस्पायर है, क्योंकि इस कंपनी का ओरिजिन जर्मनी के बवेरिया स्टेट में ही हुआ है और इसलिए इसका नाम है बवेरियन मोटर वर्क्स। नंबर 5, वायो। दोस्तों वायो सोनी का एक सब ब्रांड था जिसे कि सोनी ने कंप्यूटर और लैपटॉप के मार्केट में एंटर करने के लिए बनाया था। और क्योंकि सोनी पहले ऑडियो वाले इक्विपमेंट्स को बनाया करता था तो उसे वायो के लिए एक ऐसा लोगो चाहिए था जो कि कंपनी के पास्ट और फ्यूचर दोनों को ही शो करे। तो इसके लिए उसने वायो के लोगो को ऐसा बनाया है जिसमें कि वी और ए रिप्रेजेंट करते हैं एनालॉग लाइन्स को जिन पर कि ऑडियो इक्विपमेंट्स काम किया करते थे, और आई और ओ हैं दोस्तों 1 और 0 जो कि डेटा सिग्नल को शो करते हैं। सच में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमाल है। नंबर 6, टोयोटा। पहली बार देखने पर इस लोगो में आपको 3 ओवल्स ही दिखेंगे, मगर यकीन मानिए दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितने भी लोगों के बारे में बताया है उन सभी में ये सबसे ज़्यादा खास है, क्योंकि गाइस इन 3 ओवल्स वाले इस लोगो में पूरी की पूरी कंपनी का नाम मौजूद है। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? तो दोस्तों इसे देखिए, ये रहा कंपनी के नाम का पहला अक्षर टी, ये है ओ, ये बना हुआ है वाई, और फिर से ओ और टी, और ये है दोस्तों ए, टोयोटा। नंबर 7, बास्किन रॉबिन्स, कंपनी जो कि अपने अमेजिंग आइसक्रीम के लिए जानी जाती है। इसके लोगों में बी और आर के बीच पिंक कलर में 31 लिखा हुआ है जिससे कि कंपनी अपने 31 फ्लेवर को रिप्रेजेंट करती है। इससे दोस्तों कंपनी ये दर्शाना चाहती है कि कस्टमर हमारी शॉप पर आके महीने के 31 दिनों तक हर रोज एक नए फ्लेवर को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसका लुफ्त उठा सकते हैं। गाइस इन अमेजिंग लोगोस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर ज़रूर करना।